आजकल लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के रिश्तों में एक चीज़ में जहर भर दिया है, वह है एक दूसरे के लिए बुरा बोलना। सामने से तो अच्छा बोलना लोग सीख जाते हैं, पर पीछे लोग अच्छा नहीं बोल पाते। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में ऐसे जो किसी के पीछे किसी के लिए दुआ मांगते हों। आजकल किसी की तारीफ से ज़्यादा लोगों को किसी की कमियाँ सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी की बुराई सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनते हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छे से अच्छे इंसान के बारे में भी बुरी बातें सुन के लोग जल्दी से यकीन कर लेते हैं। आजकल के समय में कोई अच्छा हो सकता है, इसमें लोगों को यकीन ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, पर कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर कमियाँ होंगी। दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की पॉजिटिव खत्म हो गई है, लोग अच्छा नहीं देख पाते। पर याद रखना एक बात, जो इंसान आपके साथ दूसरों की बुराई करता है, वह आपके पीछे आपकी भी बुराई करेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। दूसरों के गुणों को वही व्यक्ति देख सकता है जो खुद गुणवान है, क्योंकि इंसान अपनी बातों से अपने चरित्र का दर्शन करवाता है। जो भी आपके मुँह से निकलता है वह किसी और का परिचय नहीं देता, आपका ही परिचय देता है। कई लोग दूसरों के लिए गलत बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उसकी तरह तो काम नहीं कर सकते और उससे गिरा सकते हैं, उसके लिए गलत अफवाह फैला के उसको नीचा दिखा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पीछे लोग हमारी निंदा करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं, उनके साथ हम क्या करें। आप उनके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद ही खुद के साथ बहुत गलत करते हैं। याद रखना एक बात, जो इंसान हर किसी की बुराई करता है, चुगलियां करता है, दूसरों की निंदा करता है, सबसे पहले तो लोग उस पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है इंसान का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। लोगों को लगता है कि हम किसी के पीछे किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उससे पता नहीं चलेगा, पर जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वातावरण में वापस आ जाते हैं। बात निकली है तो दूर तक तलक जाएगी और सबको समझ में आ जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ देते हैं, उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। याद रखना, तीन कारणों से लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। एक वह जो आपके लेवल तक पहुँच नहीं सकते, दूसरे वह जिनको वह नहीं मिला जो आपको मिला है, तीसरे वह जो आपकी कॉपी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो इन तीन कारणों से लोगों को लगता है कि हम इसके जैसा कर तो नहीं सकते, पर इसकी बुराई करके इसको हम नीचे गिरा सकते हैं। पर वास्तव में जो इंसान दूसरे के लिए बुरा सोचता है, उसकी ज़िंदगी में अच्छा ही लौट के आ ही नहीं सकती। कई लोगों को यह लगता है कि हम किसी के पीछे कुछ बोल देते तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सीक्रेट रखेंगे। आजकल कुछ सीक्रेट नहीं रहता, आप किसी को बोलोगे किसी को बताना मत, बहुत सीक्रेट बात है, तो प्रमिस कर किसी को मत बताना। जिस बात के लिए आप जितना किसी को रोकेंगे कि प्रमिस कर किसी को मत बताना, वह इंसान उस बात को उतना दूसरों को बताएगा। कुछ सीक्रेट नहीं रहता, जो लोग दूसरों की पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं वह लोग ज़िंदगी में कभी किसी का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, उन लोगों की कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं होती। लोग कहते हैं कि ऐसे इंसान से दूर रहो, ये बहुत घटिया लोग हैं, ऐसे लोगों से कोई संबंध बनाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव होता है वह आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे ताकि आप भी दूसरों की बुराई कर सकें। पर सावधान रहना, वही लोग जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं वह पीछे जाके आपकी बुराई कर देंगे और बता देंगे आपने उस व्यक्ति के लिए क्या कहा है। आपके सामने तो बहुत मित्रता दिखाएंगे और आपके सामने उसकी उस व्यक्ति की निंदा भी करेंगे ताकि आप भी कुछ बोलो। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए क्या कहा वह उससे नहीं बताएंगे, पर आपने उस व्यक्ति के लिए क्या कहा वह सब बता देंगे। तो ऐसे लोग जो दूसरों की चुगलियां करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उनके साथ आप बातचीत मत करिए,
क्योंकि उनके साथ आप थोड़ी भी बात करेंगे तो उससे आपको भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये इंसान कभी किसी का भला नहीं कर सकता। इसका काम यही है, इधर की बात उधर फैलाना, उधर की बात इधर फैलाना। तो किसी के साथ भी आप बातें करें तो थोड़ा सावधानी से करना। आजकल लोगों को बातचीत की बहुत आदत है, जहां देखो लोग बोलते ही रहते हैं, अनजान लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं। बातचीत करने का लोगों को बहुत शौक है, वही टाइम अपने लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। वही लोग दुनिया में महान बनते हैं जो महान कार्य करते हैं, जो साधारण कार्य करता है साधारण रह जाता है, जो बड़े काम करता है वही बड़ा इंसान बनता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अपना होता ही नहीं है। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए ऐसे लोग किसी की भी हानि कर जाते हैं। ऐसे लोगों का ना कोई मित्र होता है और ना कोई अपना होता है, ना ही किसी का विश्वास जीत पाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। वह ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को गिरा के, दूसरों की बुराई करके, दूसरों की चुगलियां करके, क्योंकि खुद की कुछ है नहीं तो वही करना चाहते हैं। तो यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत में मत पड़िए।